हैप्पी दिवाली फ्रेंड। देखिए आज मैं पूजा कर रही हूँ दीपावली के दिन, कितने अच्छे से भगवान का मैं कपड़ा सब भगवान का समय सब बदल दी हूँ। मैं सोची थी क्या सिर्फ लक्ष्मी गणेश का करूंगी, बदलेंगे चेंज करेंगे, कारण कि दुर्गा माँ का दुर्गा पूजा में किए थे, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगने लगा, सोचे सब भगवान का एक साथ में बदल देती हूँ। तो देखिए मेरे भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं सब भगवान का एक रंग बना के कपड़ा अपने से तैयार करके देखिए मैं भगवान को सजाई हूँ, कितनी अच्छे लग रहे हैं। लक्ष्मी गणेश, ये लक्ष्मी गणेश है, इधर देखिए ये भी गणेश जी है, ये भी श्रीयंत है, वहाँ दुर्गा माँ है, ये भी गणेश जी है। देखिए सब भगवान को कितनी अच्छी से मैं सजा ली हूँ, स्पेशली सजाया गया है लक्ष्मी गणेश। हाँ उसके और इधर गणेश जी को। हाँ उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम लोग हम धनतेरस, इतनी बारिश पड़ रही थी हम लोग कहीं निकल नहीं पाए, तो धनतेरस में हम लोग किसी तरह ये अगरबत्ती लगाने वाला ये खरीदे है और ये दीपक खरीदे है, यही लिए इतनी बारिश थी निकल नहीं पाए, नीचे उतर के सिर्फ उतना सा ली थी। उसके बाद हम लोग में देखिए ये सबसे मस्त मिठाई है, स्वीट्स है, इसको चीनी का सिर्फ बना हुआ रहता है, इसमें हाथी घोड़ा मछली जो भी चीज होता है सब चीज बना हुआ रहता है, सारे शेप्स का होता है, ये सब शेप्स का बना हुआ रहता है, चीनी का सिर्फ वही हम लोग बनाए हैं। और ये बेसन का लड्डू अलग से लिए हैं, बच्चे सब और भुतंग करती तो वो भी ले लिए हैं। देखिए आज मैं पूजा कितनी अच्छी तरीका से कर ली, भगवान से प्रार्थना करते हैं हैप्पी दिवाली सबके लिए, सबका पूजा अच्छा हो, और सब भगवान से कामना सबके लिए करते हैं, सबको इसी तरह खुशी खुशी सब चीज हो जाए। अब देखिए रात में हम लोग का खाना, ये देखिए भगवान जी के पास लाइट लगाए थे लेकिन मम्मी ने उखाड़ दिए क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, अभी पूजा करने में प्रॉब्लम हो रही थी। रात का व्लॉग दिखाएं कि रात में लाइट्स कितने अच्छे लगते हैं, ये इधर लाइट्स हैं, मम्मी ने एक डिजाइनर दिया भी मंगवाया है, वो भी दिखाएंगे आपको। देखिए ये डिजाइनर दिया भगवान के लिए मैं स्पेशल ली हुई हूँ, इट इज सो ब्यूटीफुल। और हम लोगों ने घर के सजाने का भी सामान लिया है, वो भी आपको रात के व्लॉग में दिखाएंगे, और खाना भी आज हम लोग का स्पेशल बनता है जो वो भी मैं दिखाऊंगी आप। ये है आज रात का खाना, इधर है चावल, उधर है सब्जी, ये है पापड़, ये है तिलौरी जिसका रेसिपी, हाँ तिलौरी इसका मम्मी ने रेसिपी भी दिया है, और ये है बारा जिसको हम लोग अगर रात भर पानी में रखेंगे तो इसका रेसिपी अगर आपको चाहिए बारा का तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस सब्जी की तो रेसिपी आप जानते ही हैं क्योंकि आपको दे दिया गया है। और ये है यमी यमी साग का बारा, साग का पकौड़ा, और अगर आपको साग के पकौड़े की इस पकौड़े की रेसिपी चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये बारा जो है इसी से दही बारा हम लोग बनाते हैं, ब्राउन इसे निकाल दही भल्ले उसके बाद पानी में डाल के बनाते हैं हम लोग, दही बारा बोलते हैं आप लोग दही भल्ले बोलते हैं। और ये हमारे इधर दही जो खाने के बाद डेजर्ट का मतलब टेस्ट देगा, और हमने बहुत सारी तैयारी, शगुन का हम लोग को माना, यस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है दही बारा और ये साग, ये इम्पोर्टेंट। और ये हमारा देसी लाजवाब दिवाली थाली, दिवाली बिहारी थाली है जो हम लोग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वी हैव टू कुक दीज ऑल थिंग्स ओनली ऑन दिवाली नाइट, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। ओके इसके अलावा भी आप जो कुछ बना सकते हैं आप बना सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके सो हम लोग आपको डेकोरेशन दिखाते हैं, चलिए ये रंगोली हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने रेडीमेड रंगोली मंगवाई। उधर है लक्ष्मी जी की कदम, अब दूसरे रूम का, ये दूसरे रूम का है, छोटा हो गया, और ये हमारे रूम का है यहाँ तक का। हम लोगों ने भगवान जी में भी लगाया था रेड वाला, आपको वो वीडियो में दे दूंगी। ओके अभी मैं क्यों नहीं ले पा रही हूँ, अभी वो खराब हो चुका, वो मैंने एक दिन पहले शूट किया था, उसका मैं दे दूंगी आपको वीडियो। ये देखिए वो ये हमारा है, फिर इधर कैंडल्स लगे हुए हैं सारे, क्या है कैंडल्स है यहाँ पे, ये लोग आए हुए हैं पटाखे के लिए। ये हमारी दिवाली की डेकोरेशन, अब बाकी अब पटाखे फोड़ने का आपको आगे दिखाते हैं, चलिए सो लेट्स गो। नाना मम्मी
हो रहा है जी, इतना ऊपर उड़ता है गिरेगा।